नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट बने हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसी वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं फ्री पीडीएफ, जो भी मैं आपको पैनल पे पढ़ाऊंगा उसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे फ्री एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जो भी मैंने आपको पढ़ाया पहली बार तो थ्योरी फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और साथ ही में जितना भी मैंने थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ाया उसका एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस को करके मैंने आपको दिया है, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और साथ ही में आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा, जो कि आपका वीकली होता है। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि ये सभी चीज़ों के साथ ही आपके मंथली और वीकली इवेंट्स के भी कवर कराए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिएगा आज के इवेंट्स की तरफ में चलते हैं, और आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ें आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, जो भी ये चीज़ है। तो ये आप इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है श्री राधे स्टडीज, देख लीजिएगा स्पेलिंग यही सर्च करिएगा, RAA में विशेष ध्यान आपको यहाँ पर देना है। अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ से आप जा करके इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और जो भी मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल कराए हैं वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा अभी इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। आज के इवेंट्स बहुत ही शानदार हैं, और यकीनन मानिएगा कि आज के इवेंट से एक नंबर पक्का बनाया जा सकता है। यदि आपका कोई नज़दीकी एग्ज़ाम लगा हुआ है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, तो निश्चित तौर पर आज के इवेंट से एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यहाँ पे पहला इवेंट है 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस। ये क्या होता है मानव अधिकार दिवस और ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिएगा, यह जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है, और इस दिवस का जो उद्देश्य है, इस दिवस को का मनाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि मानव को, जो मनुष्य है, उसको अपने अधिकार, अपने महत्व व अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक कराना। क्या होता है मानव अधिकार, जरा ये समझते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी और बराबरी और सम्मान का जो अधिकार होता है वही मानव अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत भी की सैर भी कराने की क्षमता रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 में मानवाधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई है, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। तो यहाँ से एक विशेष आपको प्रश्न याद रखना है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी इस वर्ष जो थीम रखी गई वह क्या है, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। तो चलिएगा इसी के साथ हम अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पर्यवेक्षक के का दर्जा दिया। ठीक है, अब ये UNGA क्या होता है, जरा इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, क्या हुआ है ये जरा समझिएगा कि इसने UNGA ने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका प्रारंभिक कार्य क्या होता है कि प्रौद्योगिकी जितने भी कार्य होते हैं उनको पीछे करते हुए, उनको कम करते हुए, जो भी सौदे से रिलेटेड हैं, आप ये समझ सकते हैं जो सोलर पैनल से रिलेटेड हैं उन्हें आगे करना, सोलर पैनल्स के थ्रू बिजली बनाना, तो इन सभी कामों को प्रायोरिटी देना इस संगठन का कार्य होता है। तो यहाँ पर से आप इवेंट को समझ सकते हैं। अगला इवेंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तो आज के आप अखबार में पढ़ भी सकते हैं, आप सुबह जब देखेंगे तो आप ये खबर को पाएंगे भी कि आज प्रधानमंत्री जो हैं वह बलरामपुर जिले में आकर के, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आकर के सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन
करेंगे। क्या है ये सरयू नहर परियोजना, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरयू नहर परियोजना से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के फलस्वरूप 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। ये आप नाम से ही समझ सकते हैं, सरयू नहर परियोजना मतलब कि कोई नदी से रिलेटेड है और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कुछ सिंचाई वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई करने की बात की जा रही है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस परियोजना के से बहराइच से लेकर के गोरखपुर से तक की जोड़ा जाएगा और इसी के क्रम में 9 उत्तर प्रदेश के जिलों को एक साथ जोड़ने की बात की जा रही है। मूल सूत्रों के अनुसार जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी कि यह परियोजना 1978 में ही शुरू हो गई थी, परंतु कुछ पूर्ववर्ती सरकारों के कारण यह योजना विशेष रूप से पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये ऐसी हमें जानकारी मिली कि यह योजना कब शुरू हो चुकी थी, तो 1978 में शुरू हुई थी। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न यहाँ से कंफ्यूजन क्वेश्चन है एक कि सरयू नहर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, तो किस राज्य में शुरू की गई, वह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और साथ ही में यह परियोजना कब से शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है सन 1978 से यह योजना शुरू की गई है। कुछ बच्चे इसमें यह पे मार खा सकते हैं कि वह सोचेंगे कि यह योजना 2021 में शुरू की गई है। ठीक, तो इस पे विशेष आप गौर तलब रखिएगा। और यह नहर परियोजना क्या है जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। सरयू नहर परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना होगी। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत यूपी के 9 जिलों को 5 नदियों के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 9 जिलों को 5 नदियों के साथ में जोड़ने की बात की जा रही है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती और राप्ती से बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिणी नदी को जोड़ा जाएगा। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ेंगे, इससे फायदा क्या होगा यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ जैसी समस्याओं से समाधान भी मिलेगा और साथ ही में सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि भी हमें मिल पाएगी। आपने यदि भूगोल पढ़ा है तो भूगोल में आपको यह जानकारी मिलती है कि दो नदियों के बीच के जो दोआब होता है वह अत्यधिक जाओ होता है। तो यदि इनको एक 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो जो उसके बीच का जो क्षेत्र बनेगा वो अत्यधिक उपजाऊ होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस परियोजना से 6,200 से अधिक गांवों को लाभ व 29 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की बात की जा रही है। साथ ही में पूर्वी यूपी के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती और यहाँ पे संत कबीर नगर और गोरखपुर और महाराजगंज को भी यहाँ से फायदा होने की बात की जा रही है। जो ये 9 जिले हैं वो यही 9 जिलों में 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे अगला इवेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला इवेंट क्या है, नासा ने ब्लैक होल और अन्य रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए नई एक्सरे वेधशाला को लॉन्च किया। तो जो ब्लैक होल है ये क्या होता है और ब्लैक होल्स के बारे में जितनी भी जानकारी है, इन सभी को जानकारियों को अध्ययन करने के लिए नासा ने एक नई तकनीकी या फिर आप ये कह सकते हैं नई मशीन का जो है वह लॉन्च किया हुआ है। उस नई मशीन का नाम क्या है, आप समझ सकते हैं कि एक्सरे वेधशाला। ठीक है, इस नाम को विशेष तौर पे याद रखेगा। ये क्या होता है ब्लैक होल, जरा इसके बारे में समझ लीजिएगा। जो तारा होता है, जब तारा अपनी गैसेस को नष्ट कर देता है, जितनी भी उसके अंदर गैसेस होती हैं, हीलियम की गैस जो होती हैं वो सभी जब नष्ट हो जाती हैं तो वह एक ब्लैक होल के तरीके बन जाता है, जो कि अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिसका द्रव्यमान जो है वह अनंत माना जाता है। इस पर जाने वाली कोई भी चीज़ आज तक की वापस नहीं आई है। जहाँ तक कि हम बात करें कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सबसे तेज जो है प्रकाश की चाल को माना गया है और प्रकाश की चाल भी इससे वापस नहीं आ पाई है। तो ऐसी क्या है इसके अंदर,
ये तो हालांकि अनुमान अभी तक की लगाया गया था कि इसका द्रव्यमान जो है वह बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ये समझ सकते हैं इसकी ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक्सरे वेधशाला नामक एक यंत्र को लॉन्च किया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यह मशीन अंतरिक्ष में होने वाले कई रहस्यमय घटनाओं का उजागर करने में कारगर साबित हो सकती है। इससे ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्रह्मांड की कई जानकारियां उजागर होंगी। एक्सरे को 10 दिसंबर 2021 को सुबह 1 बजे स्पेस एक्स की कंपनी फॉल्कन 9 के रॉकेट की मदद से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नासा और जो स्पेस एक्स हैं, स्पेस एक्स की मिसाइल और नासा की जगह, आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने उपयोग करते हुए इस मशीन को लॉन्च किया है। यह मशीन नासा और इटली के अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त कार्यक्रम है। तो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी इवेंट, और मैं आपको बता दूं कि आज के इवेंट में सिर्फ इतने ही इवेंट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज के जो इवेंट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप यहाँ पे नासा से ले सकते हैं कि जो मशीन है यह नई एक्सरे वेधशाला मशीन और सरयू नहर परियोजना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे विशेष तौर पे याद भी रखिएगा। ठीक है, और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई, तो इससे निश्चित तौर पे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे वो भी इस चीज सभी का लाभ ले सकें। ठीक है, और इनके मॉक टेस्ट या फिर आप इसका MCQ फॉर्मेट जो क्वेश्चन होता है वो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।